अगर आप पीछे झुके हुए हैं तो आपके अंगों को बहुत नुकसान होगा। किसी और पोस्चर के बजाय इस पोस्चर में आप कहीं ज्यादा समय तक रह सकते हैं, यह आपके लिए सबसे आरामदायक है। आपकी अपने शरीर और अपने मन को इस्तेमाल करने की क्षमता जबरदस्त रूप से बढ़ जाएगी। अब आपके शरीर में आराम की बात की जाए तो ये हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंगों में और ऊर्जा में होता है। अब अगर आप बस आराम कुर्सी में बैठे हैं तो आपकी मांसपेशियां आराम में होंगी, पर आप देखेंगे कि अगर आप आराम कुर्सी में बैठे हैं तो आपके जोड़ों में हमेशा दिक्कत होगी। क्या आपने इस पर गौर किया है? एक काम करिए, आप कार में ट्रैवल करिए इस तरह की एक रिक्लाइनिंग सीट में। आप देखेंगे कि आप बुरी तरह थक जाएंगे जब तक आप वहां पहुंचेंगे। अगर आप बस सीधे बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपकी मांसपेशियां आराम में होती हैं। असल में आप सिर्फ तभी स्ट्रेच करना चाहते हैं जब आपकी मांसपेशियों में थकान होती है, पर आपकी हड्डियों को यह पसंद नहीं आता। आपकी हड्डियां पूरी तरह से स्ट्रेच करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें यह आधा अधूरा पसंद नहीं, क्योंकि कंकाल प्रणाली पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। सबसे बढ़कर आपके अंगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। यहां के सभी महत्वपूर्ण अंग कील से या नट बोल्ट से कसे हुए नहीं है, ठीक है? वो बस जालों में इस तरह लटके हुए हैं। हाँ, अगर आप ऐसे करें तो आपका लिवर हिलेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? आपका दिल भी ढीला लगा हुआ है, कई तरह की जालियों में यह इस तरह लगा हुआ है। अब अगर आप पीछे झुके हुए हैं, खास तौर से जब आप गतिशील हों, तो आपके अंगों को बहुत नुकसान होगा। अगर आप गतिशील हैं तो आपको हमेशा ऐसे बैठना चाहिए सीधे, तब आपके अंग एक बेहतर स्तर के आराम में होंगे। आप उस आसन में बैठिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा आरामदायक हो। अच्छा होगा कि पालथी लगाकर, क्योंकि शरीर के लिए यही बेहतर होता है। यह ऐसा आसन है जहां शरीर का फर्श के साथ अधिकतम संपर्क होता है, तो स्वाभाविक रूप से एक स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर इंच में पड़ने वाला वजन सबसे कम होगा, तो आपकी बैठने की क्षमता बेहतर होगी, क्योंकि वजन सिर्फ आपके कूलों पर नहीं आएगा बल्कि फैला हुआ होगा। उस वजह से इस तरह बैठना आपको कहीं ज्यादा आसान लगेगा। पालथी लगाकर बैठने का उद्देश्य यह है कि अगर आपने अपने शरीर को अच्छी तरह से तैयार किया है तो असल में यह सबसे आरामदायक चीज है जो आप कर सकते हैं। किसी दूसरे आसन की तुलना में इस आसन में आप ज्यादा समय तक रह सकते हैं, बस इसलिए क्योंकि अधिकतम संपर्क हो रहा है, यानी कि आपका वजन बटा हुआ है। उस वजह से आप अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। योग विज्ञान में न केवल आपके परम कल्याण के लिए शक्तिशाली साधन हैं, बल्कि ये आपके तत्काल स्वास्थ्य, उपचार और राहत के लिए भी साधन भेंट करता है। इन साधनों को उपयोग कहा जा सकता है। सडिलजा, उपयोग के एक हिस्से को सडिलजा कहते हैं। सडिलजा का अर्थ है ढीलेपन से पैदा हुआ। न केवल मांसपेशियों और कंकाल प्रणाली को ढीला करना, यह आपकी ऊर्जा प्रणाली को भी ढीला करने के बारे में है। यह आपके सिस्टम को तैयार और सक्रिय करने में मदद करता है। दिशा संचालन इसे करने का एक आसान तरीका है। यह चोट के खतरे के बिना मांसपेशियों की व्यायाम भी कराता है। जोड़ों में ऊर्जा की गांठों का जमाव होता है, तो उन्हें सक्रिय करने से सिस्टम में सब कुछ काम करने के लिए प्रज्वलित हो जाता है। इन तीन सामग्रियों का, आपकी सांस, आपके विचार और आपकी जागरूकता, इन द राइट कॉम्बिनेशन इफ यू यूज देम यू विल सी स्लोली अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस अराइजेस बिटवीन यू एंड योर बॉडी। अगर आप इन्हें सही तालमेल में इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके और आपके शरीर के बीच थोड़ी दूरी बन जाएगी। अगर आपका शरीर और मन और आप एक दूसरे से दूर खड़े हो जाएं, तब अचानक आप पाएंगे कि आपकी अपने शरीर और मन को उपयोग करने की क्षमता जबरदस्त रूप से बढ़ जाएगी। अगर अभी आपको एक से दस तक गिनना हो
सबसे अधिक है 10। अगर ऐसा है और अगर आप इस शरीर से जुड़े हुए हैं या इसमें शामिल हैं तो आप 1 से कम हैं। ये इस स्थिति में है। अगर ये दो चीजें दूर हो जाएं, तो अचानक से आप इसे पूरे 10 तक ले जा सकते हैं। आपकी मन और शरीर को उपयोग में लाने की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि औरों को आप लगभग असाधारण मनुष्य लगेंगे। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये मनुष्य है। यह असाधारण मनुष्य होने के बारे में नहीं है, यह महसूस करने के बारे में है कि मनुष्य होना असाधारण है। हाँ, मनुष्य होना कोई साधारण चीज नहीं है।